मैडम जी, अगर हमें रोज को मून पे भेजना हो तो कैसे भेजेंगे? दिस इज वेरी सिंपल, यू जस्ट हैव टू से गुलाब जामुन। पागल मैडम, प्यार करता है ना मुझसे? प्यार करने वाला तो प्यार ही करेगा। शादी करेगा? जो प्यार करेगा वो शादी भी करेगा। ओह माय हीरो, लेट्स गो। बुरी नजर से मत देखो, तुम्हारी भाभी है। कब बनी? तुम लोग रुको, मैं बना के आता हूँ। ओए जेड़ा नशा नशा तेरी अखां विचों आवे मन। एक चाहत है मेरी कि एक चाहने वाला ऐसा हो जो चाहने में बिल्कुल नहीं रह जाता। मैं किसी की जरूरत नहीं, ख्वाहिश बनना चाहता। हेलो पूजा, हमें भूल जाओ, हमारा ब्याह हो बेवारो है। कौन पूजा? मैं तो काजल बोल रही हूँ। हाँ तो तुम भी भूल जाओ और पूजा को भी बता दी। थोड़ा सा भाव क्या दे दिया, तुम तो लेट आना शुरू हो गए। हाँ अब फैमिली का एक मेंबर लेट हो जाए तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना पार्टनर? क्या मैं जो बोल रही हूँ उसका तुम गलत मतलब क्यों निकाल रहे हो? जब एक छत के नीचे रहेंगे तो सब समझ जाओगे। क्या मतलब? तो क्या लगता है तुझे ऐसे देख के अच्छा लगता है मुझे? बस तू ही मुझे खुश देखना चाहता है क्या? मैं तुझे कुछ नहीं देखना चाहती। डांट रही है या आई लव यू बोल रही है? बस थैंक्स बोल रही है। तो मीटिंग करने आया, इस ससुर ने तेरी सेटिंग कर दी। इनमें एक सुराख और बढ़ा के बढ़ लेते हैं। ए, क्या बोला तू? मेरे सामने देखे बोल। ए, बता इसको दत्ता बाहुले क्या आदमी है? तू हमारी गेम बचाएगा? हमारी एग्जाम है। कॉलर से हाथ हटा। नहीं हटाएगा, क्या कर लेगा? क्या कर लेगा? सिर्फ हाँ बोल। वो कौन है हाँ बोलने वाला? हाँ बोलेगा तो क्या कर लेगा? क्या कर लेगा? मैंने फैसला कर लिया। तू कौन होता फैसला करने वाला? बच्चा है तू, अभी 20 साल से उस धंधे में, 50 से ऊपर मर्डर किया। उधर क्या जो बोलना जल्दी बोल। हाँ बोल। अरे वो क्या हाँ बोलेगा? मैं हाँ बोला ना तुझे बाहर निकला। सुनो, मैंने वहां ना 500 के नोटों की गड्डी रखी थी और उसपे ना ब्लैक कलर का रबड़ लगाया था, मिली नहीं रही, कब से देख रहा हूँ। ये लो आपका ब्लैक कलर का रबड़, मरी ना जाना कहीं रबड़ के पीछे। बुरे हैं तभी तो जी रहे हैं, अच्छे लोगों को तो दुनिया जीने नहीं देती। फिरो। कभी कभी जीतने के लिए हारना पड़ता है, हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। डर के आगे जीत है, जो जीता वही सिकंदर इसकी माँ का। माँ की गाली नहीं। मतलब आप शायद दोनों शोले हैं, हैंडसम। स्टड कॉम्प्लीमेंट दे रही हो बेबी। हाँ बोलो। एक अच्छी खबर है और एक बुरी खबर, पहले कौन सी सुनाऊं? अच्छी खबर सुनाओ। घर वाले शादी के लिए मान गए। ओ यस यस। और बुरी खबर? किसी और से। बाय। एक बात की दाद देनी पड़ेगी मुसा, बहुत वफादार है तू अली भाई का। माना मैंने अली भाई का कहना, माना तूने अली भाई का, लेकिन उस बुड्ढे की बात तू सीरियसली मत ले और हमेशा मूसा से बच गया। मैडम आपका बिल। अरे मेरा पर्स कहाँ गया? शायद मैं घर पे ही भूल गई। अरे यार मैं बिल कैसे पे करूंगी? क्या हुआ मैम, आप घबराए हुए क्यों हैं? वो एक्चुअली ना मैं अपना पर्स लाना भूल गई। अरे पर मैम आप इतना क्यों घबरा रही हैं? वो क्या है ना, मैंने वीडियोस में देखा है वो जब बिल नहीं भर पाते हैं तो उन लोगों से बर्तन मंजवाते हैं। अरे मैम आप घबराइए मत, हमारे रेस्टोरेंट में सिर्फ लड़कों से ही बर्तन मंजवाते हैं। अच्छा अच्छा, वैसे आप लड़कियों से क्या करवाते हो? लड़कियों से? आइए मैं आपको बताता हूँ। आइए। अच्छा ठीक है, आइए आइए मैं आपको बताता हूँ। आइए इधर से आइए। इससे टच भी किया ना तो मेरे
तेरी नाक फोड़ डालेगी बेबी। देख अपन से शादी मना ले समझा ना, तेरे सारे गंदे गंदे कपड़े धोएगी, खाना पकाएगी, सफाई करेगी, तेरी अच्छी लाइफ सेट कर डालेगी। माओ को खाता है अपन को ऐसी मजबूत घर वाली चाहिए क्योंकि आप उनके घर पे मजबूत पलंग है और कपड़ा धोना बर्तन मांजना तो काम वाली भी करती है। चल निकल यहाँ से। मैं तुमसे प्यार करता था इसलिए तुम्हारे पीछे पड़ा, क्या कुछ नहीं किया ताकि तुम्हें देख सकूं, तुमसे बात कर सकूं, तुम्हारे साथ थोड़ा सा वक्त बिता सकूं। लेकिन अगर तुम मुझसे दूर रहना चाहती हो तो मुझे भी फर्क नहीं पड़ेगा। कभी ये सोचकर उदास मत होना दोस्तों कि आपको अंग्रेजी नहीं आती, ये अंग्रेजों को हिंदी कहाँ आती है। हर लड़के की माँ का सपना होता है कि उसे क्यूट, इंटेलिजेंट और सुंदर बहू मिले। मुझे तो समझ नहीं आता मैं किस किस की माँ के सपने पूरे करूँगी। सच बता रहा हूँ, सच। इरादा दोस्ती का ही था लेकिन मोहब्बत हो गई। भगवान, आज के बाद इसने दूसरी लड़की को देखा ना तो ये अंधा हो जाए, और किसी और लड़की को छेड़े तो ये अपाहिज हो जाए। अगर इसके हाथ पैर ना चले, ये कहीं जा ना पाए तो भी चलेगा। मैं इसका ध्यान अभी सीन ही चादर वाले फेस में। मतलब तुम वहाँ में देखोगी? घूरूंगी भी। परमिशन लियो? लेने की जरूरत है? नहीं, तुम्हें तो अलाउड है। अलाउड है, अलाउड है। बेबी हाँ, आज रात को क्रिकेट खेलें? नहीं यार, 3 दिन बाद। लेकिन क्यों? पिच गीली है ना। हाँ तो फिर तुम चाहे तो वॉलीबॉल खेल सकते हो। हमारी ना एक सीक्रेट इच्छा है। क्या? हम एक बार हा? अपने पति के साथ पीकर धोतो ना चाहते। कभी पिए नहीं है लेकिन पिक्चरों में देखा और देखे लगता है कि बहुत मजा आ रहा होगा। देखा है कि हीरोइन को कैसे हीरो खूब पिलाते हैं और फिर दोनों खूब मजे करते हैं, हमें भी बिल्कुल वैसे के वैसे करना है। हेलो बाबू। हाँ बोल। मेरे घर में ना मुझे सब डांटते रहते हैं, आप ना मुझे यहाँ से ले चलो, मुझे नहीं रहना। पर मेरे पास तो रहने को घर ही नहीं है। कोई नहीं, मैं चुग्गी में रह लूंगी, आप मुझे यहाँ से बस ले चलो ना। पर खाने को कुछ नहीं है मेरे पास। कोई नहीं बाबू, मैं आपके प्यार से पेट भर लूंगी अपना, आप मुझे प्लीज यहाँ से ले चलो। अच्छा चल मैं आता हूँ। अरे यार कहाँ से आफत गले पड़ गई। चलो जल्दी चलते हैं। चल 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 चल। ये क्या है? अबे तूने ही तो बोला था कि झोपड़ी में रह लूंगी, अब चल। मुझे भूख लग रही है बाबू, अब ये क्या है? अबे तूने ही तो बोला था कि मेरे प्यार से तू पेट भर लेगी, तो अब खाओ ना बाबू, लो लो और खाओ। पापा मुझे घर जाना है। हाँ बा ಈಗರ್ತಾ ಇತ್ತಲ್ವಾ ನಿನ್ಗೆ, ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಚಿಕ್ಕಂದ್ರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಎಷ್ಟೇ ಕೆಟ್ಟವರಾಗಿದ್ರು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಈಗ ನೀನ್ ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪು ಅಂತ ನಿಂಗೆ ಅನ್ಸ್ತಾ? ಸೊ ಇವತ್ತಿಂದ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಅ ಸ್ಟಾರ್, ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಅ ಫ್ಯಾನ್, ಸೊ ನೋ ರಾಗಿಂಗ್, ನೋ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್, ನೋ ಟಾಕಿಂಗ್, ನಿನ್ ದಾರಿ ನಿನ್ಗೆ, ನನ್ ದಾರಿ ನನ್ಗೆ. ಗುಡ್ ಬಾಯ್, ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. ರೀ ಮೇಡಮ್. ಯಾ 10x20 ಕಟ್ ಔಟ್ ಓಕೆನಾ? ಇನ್ ಅವರ್ ಏರಿಯಾ ಗಣಪತಿ ಹಬ್ಬ ಫುಲ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್, ಫುಲ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್, ಫುಲ್ ಕಟ್ಔಟ್ಸ್, ಫುಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್. ಯು 10x20 ಕಟ್ಔಟ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಓಕೆ. ಏ ಕೂಲ್, ನೋ ವರಿ. ಯು ಎಕ್ಸಾಮ್ 1 week, ಮೀ ನೋ ಫಾಲೋ. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಓವರ್, ಮೀ ಡೈಲಿ ಫಾಲೋ. ಟುಡೇ ಫುಲ್ ಓಕೆ, ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಅಪ್. ನೌ ಮೀ ಗೋ, ಯು ಗೋ, ಗುಡ್ ಗರ್ಲ್, ಬಾಯ್. क्या लंदन में सचमुच सूरज 5 घंटे देरी से उगता है? हाँ वो तो है, इसीलिए तुम सब कुछ देरी से समझते हो? हाँ वो तो। विदेशी कवार, जब चूड़ियाँ उतारना नहीं जानते तो कंगन क्या खाक बनाओगे? बबलू